गुड मॉर्निंग एवरीवन, और फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं रेडी हो गया भाई ऑफिस जाने के लिए, तैयार हूँ। सेम कपड़े मैंने डाले जो कल डाले थे। एक्चुअली क्या है ना, घर से आया तो बैग वगैरह सब देखो ऐसे ही पड़ा हुआ है, और सारे कपड़े क्लीन भी करने हैं। यहाँ पे भी कपड़े ऐसे ही पड़े, मतलब पूरी भसड़ मची हुई है अभी तो कमरे में, और साफ मैंने नहीं किया है। मैं सोच रहा हूँ संडे को रुक के ये जो भी कपड़े हैं ना, जितने भी पड़े इधर उधर, सारे कपड़े मैं साफ़ कर लूँ और इनको प्रेस वगैरह करके रख दूँ। अगर प्रेस भी नहीं होता है फिर भी क्लीन करके रख दूँगा तो सही रहेगा, क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है और सीढ़न लग जाती है इन सब में। सो अभी चलते हैं ऑफिस। तो यार शाम के 6 बज गए, पूरा दिन काम में निकल गया। एक एक्चुअली कंपनी गया था मैं, तो फुल डे वहाँ पर निकल गया, और अभी आके बैठा हूँ ऑफिस में। सो मैं सोच रहा हूँ ऑफिस का काम निपटा लूँ, मे बी 1 या 1.5 घंटे और यहाँ पर बैठूँगा। भूख भी काफ़ी तेज़ लग रही है। हाँ, बट मैं एक सेब लाया था, सेब भी खा लेता हूँ भाई। यही है, कल तो और सुबह था सैटरडे, कल थोड़ा सा काम से फ्री होऊंगा संडे को, और काफ़ी सारे वीडियो हैं मैं सोच रहा हूँ उनको एडिट कर दूँ। सो यार अभी रूम पे पहुँचा हूँ, 8 बज गए पूरे, और रूम पे आते ही साथ भूख लग रही है तेज़। सो अभी तो सामान वगैरह ख़रीद लाया कुछ, सो चॉकलेट वगैरह भी लेके आया तो वो खा लेता हूँ। साथ ही आज बैगन लेके आया हूँ ब्लैक वाला, तो वो भूंज के बढ़िया बैगन का भरता बनाएंगे, और थोड़ी देर बाद खाना बनाऊंगा, थोड़ा फ्रेश व्रेश हो जाऊं। अभी तो पूरी हालत डाउन है। सो फिर बनाता हूँ खाना सीधा, चाय वगैरह कुछ नहीं पीना भाई। और कल तो सारे कपड़े ये सब धोने हैं यार, कितने सारे कपड़े पड़े हैं देखना भाई। ये सारे कपड़े साफ करने हैं, पूरे गंदे हो रखे हैं, स्मेल आ रही है रूम में से। तो रूम भी साफ़ करूँगा कल, कल कहीं जाने का भी मूड नहीं है, क्योंकि रूम को पहले क्लीन कर लेंगे, उसके बाद रूम डेली रूटीन में आ जाएगा, उसके बाद फिर कहीं जाएंगे। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी सुबह के भाई 11:15 बज गए हैं। कपड़े काफ़ी सारे मैंने भाई पानी में भिगो के रख दिए हैं, कल रात को ही बैग वगैरह सब खाली हो गया। यहाँ पे भी जो कपड़े रखे थे ना सारे खाली हो गए, सारे भिगो के रख दिए, लेकिन उनको अब धोना है, थोड़ी देर बाद धोऊंगा। बट सबसे पहले मैं जा रहा हूँ कुछ खा के आते हैं यार, भूख लगी है। रात को कुछ भी नहीं खाया था। मौसम ठीक ठाक है आज यहाँ का, बादल हैं, धूप तो नहीं है तेज, मे भी शाम को शायद बारिश हो। और आज इसका एक भाई ये टेम्पर्ड गार्ड भी ऑर्डर करना है, कैमरे के लेंस का थोड़ा सा डैमेज सा हो गया मुझे लग रहा है। सो अभी तक यही है, चलते हैं कुछ खा के आते हैं, उसके बाद कपड़े साफ़ करेंगे और रूम भी साफ़ करेंगे। पूरी किचन देखो भाई मची पड़ी है, तो किचन भी साफ़ करनी, पूरा रूम भी साफ़ करना, बेडशीट वगैरह चेंज करना है, सब कुछ करना है, बहुत सारा काम है आज। सो चलते अभी कुछ खा के आते हैं। आ गई भाई तेज़ बारिश, अभी दिन भर से पानी नहीं गिर रहा था, पानी तेज़ गिरने लगा। काफ़ी दिन बाद पानी गिर रहा है तो अच्छा भी लग रहा है भाई। सफाई चल रही है अभी तो, देखो पूरा ये सारा सामान निकाल के नीचे से झाड़ू मार रहा हूँ, ये पूरा किचन साफ़ करना है यार, यही साफ़ कर रहा हूँ, कर लेता हूँ साफ़। तो यार सफाई हो गई है, किचन देखो भाई ये साफ़ कर दी मैंने, ये स्टोव वगैरह पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया, ये चमक गया, पहले काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था। प्लेटफॉर्म वगैरह भी साफ़ कर दिया यहाँ भी। सो सफाई तो हो गई है, पूरा रूम में झाड़ू वगैरह भी अच्छे से लगा दी, ये भी सही से हो गया। बेडशीट मैंने अभी चेंज नहीं की, क्योंकि जब मैं घर गया था उसी टाइम पे चेंज की थी, तो ज़्यादा यूज नहीं हुई, क्योंकि अभी चेंज कर दूंगा तो साफ तो अपन को ही करनी है। तो अभी एक हफ्ते और मैं सोच रहा हूँ इसको यूज करूँ, उसके बाद चेंज करूँगा। अब नहा लेता हूँ, और भाई कपड़े रखे हैं काफ़ी सारे धोने के लिए, सो ट्राई करता हूँ कि हाफ अभी धो लूँ, हाफ सुबह धो लूँ, अब जैसा भी होता है देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अभी तो जा रहा हूँ नहाने के लिए, और नहा के मैं अभी फ्री हुआ हूँ समथिंग 7:30 बजे, अभी तो 8 बज गए समथिंग, हाफ ओवर ओवर हो गया। और भाई इतने सारे कपड़े धोए ना भाई, हालत टाइट हो गई, देखो ये सारे कपड़े डले हुए हैं। साथ ही अभी तो जीन्स और एक जैकेट अभी बाथरूम में ही डली है, उनको डालने के लिए जगह नहीं है। और अब जा रहा हूँ पानी लेने के लिए, पानी लेके आता हूँ, उसके बाद बनाऊंगा खाना। सो यार मैं पानी लेके आ गया, बैगन को सेंकना है, तो बैगन में मैंने तेल तो लगा दिया है बढ़िया, सो इसको बढ़िया सेंकते हैं। पहले मैं सोच रहा था लहसुन इसी में ही डाल दूँ, मीन्स जहाँ जहाँ पे इसमें मीन्स होल किया है ना, ये छेद किए हैं, तो इसी में डाल दूँ। बट मैंने सोचा कि बाद में काफ़ी सारा लहसुन में जब इसका छौंका मारूंगा ना तभी डाल दूंगा।
तो यार अपना खाना बन के रेडी है। बढ़िया भाई, भरता बना लिया, साथ में रोटी है, इसमें भी घी लगा लिया है और हरी मिर्च। आज का यही सिंपल खाना है, सो खाते हैं खाना भाई। काफ़ी दिन बाद भरता खा रहा हूँ, अच्छा बना हो बस, और कुछ नहीं, बढ़िया बना भाई। सो यार खाना सही से हो गया, खाना खा के भाई फुल पेट भर गया। काफ़ी दिन बाद बैंगन का भरता खाया तो मज़ा आ गया। और भाई रात के 11 बजने वाले हैं, सो आज वीडियो तो एडिट नहीं किया मैंने, क्योंकि दिन भर काम कर करके पूरा निकल गया, कपड़े वपड़े साफ करता रहा सब, मतलब पूरा देखा आपने वीडियो में, तो कोई नहीं। बट मैं सुबह उठ के वीडियो एडिट करूँगा, अभी सोता हूँ सीधा। सो ये वीडियो यहीं तक रखते हो, होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।